खबर पटियाला तो है। पटियाला च थुक लगा के रोटियां बनाने वाले वायरल हुए वीडियो दे मामले च सेहत विभाग ने सख्त कार्रवाई करन दा भरोसा दिता है। शहर दे शेरा वाले गेट नेड़े ढाबे दा वीडियो तुहानू दस्सदे कि वायरल होया सी। तंदू च पकाउण समय रोटियां ते थुकदा होया विखाई दे रहा करदा। वीडियो वायरल होने तों बाद मालिक ढाबा बंद करके फरार हो गया। लोगों ने सख्त कार्रवाई की इस पूरे मामले च मांग की है। सो वड्डी खबर तुहानू दस दिए पटियाला तो पटियाला च थुक लगा के रोटियां बनाने वाले वायरल वीडियो के मामले च सेहत विभाग ने सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिता है। तो वीडियो देखा जा सकता है किस तरीके दे नाल थुक लगा के इत्थे रोटियां बनाई जा रही ने। शहर के शेरा वाले गेट नेड़े ढाबे का वीडियो दरअसल वायरल होया सीगा। तंदूर च पकाउण समय रोटियां ते एक करिंदा थुकदा होया विखाई दे रहा है। इस वीडियो तुसीं देखोगे किस तरीके दे नाल रोटियां बनाई जा रही ने इस करिंदे वालों। तो तुसीं देख रहे हो इत्थे किस तरीके दे नाल करिंदा रोटियां बनाउंदे समय तंदूर च रोटी पाउण तों पहलां उसे थुकदा होया नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने तों बाद मालिक ढाबा बंद करके फरार हो जाता है। फिलहाल लोगों वल्लों इस पूरे मामले च सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। मामला पटियाला दा है। उधर सेहत विभाग ने इस पूरे मामले च सख्त कार्रवाई करन दा भरोसा दिता है। इसी से ज्यादा अपडेट लिए साडे नाल गगनदीप जुड़ गए ने। गगनदीप तुहाडे तों जानना चाहांगे पटियाला दा मामला है जिथे कि वाकई हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। थुक लगा के रोटियां जो है तंदूर च पांदा नजर आ रहा है ढाबा मालिक। फिलहाल इस पूरे मामले ते की कार्रवाई हुई है? जी तरजीत बिल्कुल थुक नाल वड़े पकाने की गल तां जरूर सुनी सी पर थुक नाल रोटियां पक रही ने इत्थे देखा जा रहा है और किस तरीके नाल अनहाइजेनिक फूड पटियाला दे लोकां नूं सर्व किया जा रहा है। और कोविड का काफी दौर चल रहा है और कोविड का दौर ना भी चल रहा होवे तां भी अजिहा खाणा लोकां नूं परोसना इहदे पिछे मंशा की हो सकती है इहदे पिछे की गलबात हैगी है। सारे सारी कार्रवाई दे लई जिहड़ी सेहत अधिकारियां ने हैल्थ ऑफिशल्स ने वह बिल्कुल इहनूं काबू करन च फेल रहे ने। वीडियो वायरल हुंदी है वीडियो वायरल होण तों बाद भी ऑफिशल बहुत लेट जांदे ने उस तों बाद बाजार वाले जो रौला पाउंदे ने तां इह ढाबा ओनर है इह बंद करके चला जांदा। अज ही हैल्थ ऑफिशल आए ने हैल्थ ऑफिशल जाके आए ने तो उन्होंने देखा भी ढाबा बिल्कुल बंद हैगा पर समय रहिंदे कार्रवाई की होंगी तो अजिहा काम ना होंदा। हुण वेखण वाली गल है किस तरीके की जिहड़ी कार्रवाई है यह सेहत अधिकारी करते हैं भावें कि डिस्ट्रिक्ट हैल्थ ऑफिसर जिहड़े ने डॉक्टर शैली जैती उन्होंने कहा है कि असीं एक्ट के अनुसार अपनी कार्रवाई करांगे पर जापदा यह है कि हैल्थ ऑफिशल एक टोथलेस टाइगर तो वध नहीं है क्योंकि कार्रवाई गोंगलों तो मिट्टी झाड़न के बराबर ही नजर आ रही है। बिल्कुल गगनदीप इतने सवाल ही खड़ा होंगे कि आखिर मंशा की सी। इस तरीके दे नाल इत्थे साफ तौर पर वीडियो देखा जा सकता है जिस तरीके दे नाल तुसीं दस्सिया है कि वो वीडियो वायरल होने तो बाद शख्स फरार हो गया है कि कोई शरारती अंसर इसके पिछे है की वजह हो सकती है की मंशा हो सकती है? बिल्कुल तरनजीत यह ढाबा जिहड़ा है शमा ढाबा है कि इसनों मुस्लिम ओन करते हैं और जिहड़ी लेबर है वह भी एक फिरके नाल संबंधित है। हुण असीं इस गल नूं ज्यादा सेंसिटाइज नहीं कर सकते किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। ये तो सारा जांच का ही विषय है जांच तो बाद ही पता लग सकेगा किस तरीके की कार्रवाई ढाबा ओनर इनवॉल्व सी या जिहड़ा शरारती तंदूरी है वह इनवॉल्व सी ये सारा जांच तो बाद ही सामने आ पाएगी। जी तमाम अपडेट दिल्ली गगन जी बहुत बहुत धन्यवाद। सो वाकई चिंता का विषय। एक पास कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं साफ सफाई का ख्याल रखने के लिए कहा जाता है दूजे पास इस तरीके की तस्वीर इस तरीके की वीडियो सामने आना वाकई ही चिंता का विषय है। एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल सुती पई है खाण पीन दीआं चीज़ां दे विच शहर दे अंदर कोई सफाई नहीं हैगी कोई कुछ नहीं हैगा और सब मिली भुगत दे नाल कम चली जांदा। बिल्कुल अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल इहो जिहियां वारदातां नहीं होनियां चाहीदियां कि जिते सफाई ना होवे लोग तुक्कां सुट्टन जां उत्थे होर गंद मंद पा के लापरवाही विखाई जांदी होवे। सरकार ने इस बारे सख्त तों सख्त कानून बनाने चाहिए हैं छापे मारने चाहिए हैं चैकिंग करनी चाहिए है। फूड सेफ्टी टीम और मास मीडिया ऑफिसर शामा ढाबा पहुँचे वह ढाबा उस समय बंद सी आस पास के दुकानदार नाल टीम कंटैक्ट विच रही। कल शामी एक इन्फॉर्मेशन आई कि ढाबे का बोर्ड उतार दिता गया है एक्ट के अकॉर्डिंगली उच्च अधिकारियों तो सलाह लेके उन्होंने दिशा निर्देशों मुताबक बनती कार्रवाई की।